विपश्यना क्या है भाई? आम सरल भाषा के शब्दों में विपश्यना ध्यान है। लेकिन कौन सा ध्यान है? विपश्यना मोटे रूप में जो भी करवा रहा है वो वर्तमान में रहने का ध्यान करवाने के लिए करवा रहा है, वही करवा रहा है। वर्तमान में रहना, विपश्यना मतलब वर्तमान में रहना। अगर आप वर्तमान में रह रहे हो तो आप विपश्यना कर रहे हो। और विपश्यना क्यों करते हैं भाई? सीधी सीधी बात है, कर्म काटने के लिए। आप वर्तमान में रहोगे तो आपके कर्म कटेंगे, तो विपश्यना करते हैं कर्म काटने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और सांसारिक नजरियों से देखें तो इसलिए भी कर रहे हैं कि विपश्यना करने से आप अपने शरीर के सूक्ष्म हिस्सों को देख पाने लग जाओगे। मतलब अपने शरीर के अंदर खून बहता हुआ या फिर अपने हड्डियों के कणों को तक को देख पाने लग जाओगे। ऐसा जो लोग कर पाए वो बोलते हैं, मैं नहीं कर पाया। तो वो तुम इतने सूक्ष्म चीजों को देखने लग जाओगे तो तुम देखोगे हर चीज पुद्गलों से बनी है और वो पुद्गल बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें पता चलेगा कि संसार की सारी चीजों में नीचे जड़ में जाते जाओगे तो वो चीज बन रही है, नष्ट हो रही है, बन रही है, नष्ट हो रही है। तो हर चीज मतलब जो भी पैदा हुई है वो नष्ट होगी। तो हर चीज नश्वर है सिवाय आत्मा के। तो तुम्हारा ममत्व मतलब मोह भाव दुनिया की या सांसारिक चीजों पे कम हो जाएगा, ये कारण। और एक बार अगर आप अपने शरीर की बारीकियां देख पाओगे तो फिर आपके मन की कमी आपके सामने आने लग जाएगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा जो कर पाते हैं वो कहते हैं, फिर आप उन विकारों को भी काट सकते हो।